ये देखिए मुबारकपुर विधानसभा 346 में भाजपा की बाइक रैली निकली है और MIM की पैदल मार्च रैली निकलने वाली थी, उसी बीच में भाजपा की बाइक रैली आई अली नगर मुबारकपुर में दोनों पार्टियों का मिलन हुआ। MIM के तमाम कार्यकर्ता, उनके पदाधिकारी बहुत यहाँ पे मेहनत करके भाजपा की रैली को आगे बढ़ाया, पूरी जगह दी गई ताकि भाजपा की रैली, बाइक रैली आगे निकल सके। आप देख सकते हैं, आप सामने देखिए इस जीप में भाजपा के प्रत्याशी जायसवाल साहब, इस समय देख सकते हैं आप भाजपा के प्रत्याशी जायसवाल साहब, इस समय देखिए आपके सामने है। ये देखिए भाजपा की बाइक रैली में, ये देखिए तमाम भाजपा के तमाम समर्थक, उनके कार्यकर्ता इस समय आगे बढ़ते हुए। MIM के कार्यकर्ता, उनके पदाधिकारियों ने बहुत मेहनत की है ताकि BJP की बाइक रैली आसानी से यहां से अली नगर से आगे बढ़ सके। बहुत लंबी रैली है BJP की बाइक रैली, आप देखिए। जिला आजमगढ़ मुबारकपुर विधानसभा 346, अरविंद जायसवाल भाजपा के प्रत्याशी, उनकी ये बाइक रैली। देख सकते हैं बहुत बड़ी रैली है ये भाजपा की आगे बढ़ती हुई। ये देखिए भाजपा की आज रैली निकली हुई है यहाँ पर अली नगर मुबारकपुर विधानसभा 346 में, आप देख सकते हैं बहुत लंबा काफिला है BJP का। अरविंद जायसवाल प्रत्याशी BJP के, अभी आपको मैंने बताया था वो आगे बढ़ चुके हैं, उनकी रैली बहुत लंबी है, पीछे आप देख सकते हैं बाइक निकलने के बाद अब कार का यहाँ पे काफिला है। आप कैमरामैन से गुजारिश करूँगा, आप कैमरा इधर घुमाइए, दिखाइए, यहाँ पे MIM के तमाम कार्यकर्ता भी मौजूद है क्योंकि MIM का पैदल मार्च भी निकलने वाला था और मुबारकपुर के अली नगर में इन दोनों पार्टियों का मिलन हुआ, तो MIM के कार्यकर्ताओं ने बहुत समझदारी दिखाई और भरपूर जगह बनाई ताकि BJP की बाइक रैली आगे बढ़ सके। एक बहुत ही सद्भावना भरा माहौल मुबारकपुर के अली नगर में यहाँ पे आप देख सकते हैं। MIM की रैली निकलने की बिल्कुल तैयारी थी, उसी बीच में BJP की बाइक रैली भी आ गई है, लेकिन MIM के कार्यकर्ताओं ने सब्र किया, जगह बनाया ताकि BJP की रैली पहले आगे बढ़ सके। देखिए 346 मुबारकपुर विधानसभा, इस समय मुबारकपुर विधानसभा 346 के अली नगर में एक बहुत ही चुनावी माहौल नजर आता हुआ आप देख सकते हैं। एक ऐसा माहौल, एक बहुत ही चुनावी माहौल, जबरदस्त माहौल, BJP की बाइक रैली, बाइक खत्म होने के बाद अब कार देखिए आप, लाइन से कार आती हुई BJP की इस रैली में, और इधर MIM की भी पैदल मार्च है, यहाँ पे MIM का रोड शो भी है पैदल मार्च के जरिए से, तो तमाम MIM के कार्यकर्ता भी मौजूद है, उनके सामने BJP की रैली निकलती हुई। ये देखिए MIM के कार्यकर्ता अपनी पैदल मार्च की तैयारी कर रहे थे, उसी बीच में BJP की रैली भी आई, तो MIM के तमाम कार्यकर्ताओं ने जगह बनाई ताकि BJP की रैली आगे बढ़ सके। देखिए ये जो आपके सामने कार्यकर्ता नजर आ रहे हैं, ये कार आगे बढ़ाने की जो कोशिश हो रही है, ये MIM के तमाम कार्यकर्ता हैं, MIM के कार्यकर्ता, MIM के पदाधिकारी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि BJP की रैली शांतिपूर्वक आगे बढ़ जाए। आज चुनाव का आखिरी दिन है,
उत्तर प्रदेश चुनाव 2022 का सातवां और आखिरी चरण, और इसमें एक बहुत ही भीषण लड़ाई वाली विधानसभा सीट है मुबारकपुर, जिसमें समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव, MIM के गुड्डू जमाली वर्तमान विधायक, बसपा के अब्दुल सलाम और भाजपा के अरविंद जायसवाल, साथ में कांग्रेस की परवीन मंदे, इन तमाम लोगों के बीच में एक बहुत ही भीषण मुकाबला है मुबारकपुर विधानसभा 346 में। आखिरी दिन है, सभी पार्टियां बहुत मेहनत कर रही हैं ताकि जनता को ये बताया जा सके कि हमारी पार्टी मजबूत है, हमको वोट दिया जाए ताकि हम आपके लिए कुछ कर सके। भाजपा की रैली इस समय आगे बढ़ती हुई, आप देखिए यहाँ पे MIM के तमाम कार्यकर्ता बिल्कुल यहाँ पे BJP की रैली को जगह देते हुए ताकि ये रैली आगे बढ़ सके। देखिए MIM के पैदल मार्च की पूरी तैयारी है, उसी बीच में BJP की रैली आ गई थी बाइक रैली। MIM के कार्यकर्ताओं ने बहुत ही सद्भावना भरा संदेश दिया है, जगह बनाई ताकि BJP की रैली आगे बढ़ सके। एक अच्छा माहौल है, लेकिन पूरा चुनावी माहौल इस समय मुबारकपुर के अलीनगर में।